अदील आप साथ ही रहेगा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब क्या आगे जो है लीगल पहलू हैं इमरान खान के पास, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। माहिर कानून हैं शाहिक उस्मानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सर क्या समझते हैं अब जो ये सारा मामला हुआ है, अब क्या ऑप्शन बचते हैं पीटीआई के पास और पीटीआई चेयरमैन के पास? ऑप्शन तो कोई नहीं है, ये तो एक कानूनी अदालती तरीका है। आप अगर आपके खिलाफ कोई केस होता है और आप को उसमें अरेस्ट करना होता है तो आप जमानत के लिए एप्लीकेशन देते हैं और जमानत अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक है, फिर आप जेल में नहीं जाते। लेकिन अगर आपकी जमानत एक्सेप्ट नहीं होती या आप विड्रॉ कर लेते हैं या खारिज हो जाती है तो उस सूरत में आपको जेल में जाना पड़ता है। ये एक नॉर्मल तरीका है कोर्ट का। तो जमानत के कितने चांसेस हैं शाहिक उस्मानी साहब, क्या समझते हैं आप इस सारे सिनेरियो में जमानत मिल जाएगी? नहीं, जमानत तो उन्होंने विड्रॉ कर ली ना, सुनो मैं भी देख रहा हूँ कि शायद उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। हाईकोर्ट से रजू करने के हवाले से बातचीत की जा रही है उनकी जो कानूनी टीम है उनकी जानिब से। हाईकोर्ट में तो खैर ये तो एक नॉर्मल प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑर्डर किसी इंफीरियर कोर्ट का हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ये तो एक नॉर्मल तरीका है। वो चैलेंज क्या करेंगे अगर वो खुद ही विड्रॉ करते हैं जमानत की एप्लीकेशन, तो क्या चैलेंज करेंगे? चैलेंज तो कुछ हो नहीं सकता, कोर्ट कहेगी कि आपने खुद विड्रॉ किया तो हमारे पास क्यों है। ठीक है, और इमरान खान साहब की यानी कि आप ये समझ रहे कि गिरफ्तारी हो सकती है? जी अब तो लगता तो कुछ ऐसी है कि गिरफ्तारी होगी, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड से शायद बच जाए वो, इन द सेंस कि वो ये अगर जब गिरफ्तार करने जाए जो टीम जाएगी और अगर वो इस हालत में नहीं है कि वो वहां से चल सकते हैं उठ सकते हैं तो यकीनन उनको उठा करके ला करके जेल में तो नहीं डाला जाएगा, तो बसूरत वो उसकी वजह से शायद वो बच जाए। लेकिन उसके लिए भी फिर कोर्ट को मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि ये देखने के लिए कि आया जो वो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं सही। ठीक, और शाहिक उस्मानी साहब जैसे कि हम अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट में भी उनकी जानिब से ये अपील की जा सकती है, तो क्या मेडिकल जो है उसको भी ग्राउंड बनाया जा सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स को भी, ताकि टीम उनकी तरफ गिरफ्तार करने जाए ही ना? नहीं, अभी अभी तो ये है ना कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जमानत की एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली है। जी, जब आप जमानत की एप्लीकेशन विड्रॉ कर रही है तो उस सूरत में तो वो यकीनन जेल में जाएंगे।